जय श्री राम भाइयों, अब हम निकल चुके अपने जिम के लिए फाइनली और आ गए अपनी गाड़ी में, क्योंकि बाइक से जाने में बहुत ठंड लगती है, इसलिए कोल्ड भी इसी वजह से हुआ था मुझे, इसलिए भाई साहब अब गाड़ी से जाना पड़ रहा है। तो चलो जी चलते हैं, आ गया है अपना जिम, अब चलते हैं जिम में। आज चेस्ट वर्कआउट करेंगे, पहले मारे हमने पुशअप, पुशअप के बाद मैंने मारे स्क्वैट। स्क्वैट में एक वेरिएशन ऐड है, पहले नीचे 10 लगाएंगे, फिर ऊपर 10 लगाएंगे और फिर फुल सेट लगाएंगे, एक अलग ही एनर्जी आप फील करेंगे। उसके बाद आ गए हम अपने ऊपर वेट ट्रेनिंग सेशन में, अब हम यहाँ पे अपनी वेट ट्रेनिंग करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे बेंच प्रेस, बेंच प्रेस में भी वेरिएशन ऐड करेंगे, पहले हम 20 की वेट से लगाएंगे 25 रैप, उसके बाद फिर रैप वेट बढ़ाएंगे, उसके बाद लगाएंगे 15 रिपीटेशन। लगाने के बाद भी हम फिर दोबारा वेट इंक्रीज करेंगे, पाँच का वेट इंक्रीज करेंगे, पाँच का वेट इंक्रीज करके फिर हम लगाएंगे 10 से 12 रैप। इससे होगा क्या कि 25 रैप लगाए हमने, मसल टोन की अपनी, फिर हमने वेट बढ़ा के 15 रैप लगाए, फिर हमने अपनी मसल्स को ग्रोथ किया, फिर 10 लगाए वेट बढ़ा के, उससे हमारी मसल्स ग्रोथ होती है। उसके बाद हमने लगाए इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस भी हम वही रखेंगे, पहला सेट 20 से लगाएंगे और रिपीटेशन 25 रखेंगे, उसके बाद फिर हम फिर वेट बढ़ाएंगे 5 का और फिर 15 रैप निकालेंगे, और फिर 15 रैप के बाद फिर हम दोबारा से वेट इंक्रीज करेंगे और फिर हम 10 से 12 रिपीटेशन रखेंगे। पूरी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर एक एक्सरसाइज में हम यही वेरिएशन ऐड किया है आज मैंने, जिससे हमारी मसल भी टोन हो, मसल का फैट भी जाए और हमारा साइज भी इंक्रीज हो। तो ये टेक्निक आज हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे हम, बेंच प्रेस, डंपल बेंच प्रेस पे भी हम सेम टेक्निक ऐड करेंगे, 20 के डंपल से 25 रिपीटेशन निकालेंगे और क्लोज डंपल भी लगाएंगे इसमें, ये बहुत अच्छा वेरिएशन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई हमारी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में भी हम 15 रैप निकालेंगे, उसके बाद हम अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन पे जाएंगे उसको, और उसके भी 10 से 15 रिपीटेशन निकालेंगे, इसके 3 सेट करने और 15-15 रिपीटेशन लगाने हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई हमारी केबल क्रॉस में भी हम पहले 25 रैप निकालेंगे फर्स्ट में, फिर थोड़ा वेट इंक्रीज करेंगे एक एक प्लेट, उसके बाद हम 15 रिपीटेशन लगाएंगे, 15 रिपीटेशन लगाने के बाद फिर एक एक प्लेट फिर इंक्रीज करेंगे वेट को, और फिर हम 10 से 12 रिपीटेशन निकालेंगे, जिससे हमारी जो मसल्स है उसका फैट भी जाए और उसकी ग्रोथ भी बढ़े। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं पुल ओवर। अब पुल ओवर में हम पहले 20 के डंपल से 25 रिपीटेशन लगाएंगे, और 25 रिपीटेशन के बाद फिर हम डंपल इंक्रीज करेंगे, वेट इंक्रीज करेंगे, फिर 30 के डंपल से 2 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन रखेंगे, पहले 15 और फिर थर्ड में रखेंगे 30 के ही डंपल से 10 से 12 रिपीटेशन। पूरी एक्सरसाइज में, पूरे वर्कआउट में यही वेरिएशन ऐड किया है। अगर आपको ये वेरिएशन अच्छा लगता है, आप प्लीज़ ट्राई करिएगा और फील करिएगा इसकी एनर्जी, फिर हमको बताइएगा। उसके बाद मैंने लगाया 2 सेट पुशअप के, फिर मैंने देखी फीवर के बाद की कंडीशन कि हमारा फैट कितना आया है, हमारी मसल्स कितनी गई है। तो एक बार आप दोस्तों देख के बताइएगा कि कितनी मसल लॉस हुआ है फीवर में 2-3 दिन का रहा है, और कितना फैट मेरी बेली पे, मेरी बॉडी पे आया है, जिससे मैं उसको कम कर सकूं। मेरे को वो मोटिवेशन आपसे मिलता है, आप ऐसे ही प्यार मेरे को देते रहेंगे तो मैं मोटिवेशन प्राप्त करता रहूँगा। आप भी मेरे से मोटिवेशन लीजिए, आप ही मेरे से नॉलेज लीजिए और मैं आपसे नॉलेज लूँगा, तो थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा, इससे हम दोनों ही ग्रोथ करते रहेंगे। उसके बाद हम अपनी गाड़ी में आ गए हैं, गाड़ी से फिर अब चले गए अपने ट्रैक पर, रनिंग ट्रैक पर। चलो तो अब रनिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स।
हेलो जी दोस्तों, आ गए हम अपने रनिंग ट्रैक पर। आज एक्सरसाइज करने के बाद, आज एक्सरसाइज करने में थोड़ा डल फील हुआ बिकॉज कल दो और परसों दो दिन कॉफ एंड कोल्ड था। आज भी एक बार थोड़ा कम है, दवाइयाँ खा खा के चल रहे हैं तो थोड़ी एनर्जी डाउन थी, पर फिर भी बहुत मज़ा आया एक्सरसाइज करने में। और अब आज 10 मिनट रनिंग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आज मैंने वर्कआउट में कुछ कुछ वेरिएशन ऐड किया है, कुछ कुछ नई टेक्निक अपनी ऐड की है, आपने देखा ही होगा। आपको अगर अच्छा लगता है, कुछ मोटिवेशन मिलता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।